माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे जी जनाब तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो ये है कि इंसान की सबसे जो बड़ी कामयाबी है वो खुद को खुद की यानी कि इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी जो है वो खुद को खुद की ज़ात तक ही महदूद रखना है और ख़ुद को किसी भी चीज़ का इतना आदी ना बनाएं कि उसके बगैर आपका रहना जीना मुश्किल हो जाए तो कहने का मकसद ये है कि आपको अपनी जिंदगी में खुद सब कुछ करना है आपने किसी पे डिपेंड नहीं करना और आपने इतनी अपना किसी को इतनी अपनी कमजोरी नहीं बनने देना कि आप उसके बगैर आप कुछ कर ही ना सकें तो आपने अपनी जिंदगी में खुद इतना इंडिपेंडेंट हो जाए और Uh, किसी के यानी कि आपको मोताजगी ना रहे अपने सारे काम आप खुद करें और किसी पर डिपेंड ना करें तो उससे यह होता है कि आपके अंदर ख़ुद अतमादी आती है आपको यह लगता है कि आप खुद बहुत कुछ कर सकते हो जैसे घर के बाहर के काम घर के काम ईच एंड एवरी थिंग जब आप ख़ुद करेंगे उससे यह होता है कि आप में एक कॉन्फिडेंस आता है आप एक्टिव होते हो और आप में एक ख़ुद एतमादी आती है जब आप ये ख़ुद एतमादी आती है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो उससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत ग्रोम होती है तो इसलिए जब आप जो है अपने आप की कदर करते हैं अपने आप को अहमियत देते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आप भी कोई ख़ास हैं आपकी भी अहमियत है ये नहीं कि आप कोई फजूल सी चीज़ है तो अपने आप को बहुत ख़ास समझें ये नहीं कि आप रूड हो जाएं या अपने आप पे बहुत ही प्राउड फ़ील करें प्राउड फ़ील करना चाहिए लेकिन रूड होना अच्छी बात नहीं है तो अपने आप को अहमियत दें अपने आप पे फ़खर करें अल्लाह ताला ने आपको बनाया है अशरफुलमखलूक़ात और एक औरत होने के नाते एक लड़की होने के नाते आपको अपने आप पर बहुत ही फ़खर होना चाहिए कि आप को अल्लाह एक अच्छी माँ अच्छी बीवी अच्छी बेटी बनाया है और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इन सारे रिश्तों को अच्छे से निभा सकें तो इसलिए ख़ुद एतमादी आपके अंदर बहुत होनी चाहिए और आपको किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए यानी कि किसी को इतना अपना आदि ना बना कि चाहे वो कोई भी चीज़ हो कि आप उसकी इतनी आपको आदत हो जाए कि वो आपके लिए नुकसान दे भी हो लेकिन आप उसको छोड़ ना सकें तो इसलिए किसी भी चीज़ को अपना आदि ना बनाया तो साथ साथ मैं बैकग्राउंड बताती चलूँ आज एक टी पार्टी थी मेरी फ्रेंड के घर में वहाँ गई थी फिर वहाँ से वापस आए और मैं और मेरी अम्मी थोड़ा हम पार्क में वॉक करने आए तो यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा था हम थोड़ा धूप लगाने बैठ गए और उसके बाद हमने जनाब की वॉक तकरीबन आधा पौना घंटा वॉक करने के बाद जब मैं घर आई तो मुझे ख्याल आया कि मेरी बेटी वो डॉक्टर के पास लेके जाना है ख्याल क्या आया उसकी रिपोर्ट्स आ चुकी थी और फिर मैंने सोचा कि उसको डॉक्टर को दिखाई दूँ तो पिछले दिनों मेरी बेटी की जो है ना इंडोस्कोपी हुई थी उसके कुछ आ, मैदे का इशू था तो डॉक्टर ने इंडोस्कोपी की थी तो उसकी रिपोर्ट्स आ चुकी थी तो मैंने कहा इस पर डिले नहीं करना चाहिए तो मैं वॉक करके आके ही शाम के तकरीबन पाँच बज रहे हैं तो मैं यहाँ से निकल गई हूँ घर से हॉस्पिटल के लिए और बस अब हम रास्ते में ही हैं हॉस्पिटल जा रहे हैं हॉस्पिटल पहुंच के डॉक्टरों को दिखाऊंगी और उसके बाद फिर वापस मैंने घर आना है बस वो इतना ख़ास नहीं था बस यहाँ से घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर और छोटे मोटे काम चलते रहे रास्ते में मैं ब्लॉग शूट नहीं कर सकी मैं बीच में थोड़ा सा बाजार भी गई थी मुझे टेलर को अपने कपड़े देने थे और कुछ छोटे मोटे काम करने थे बेटी ने कुछ लेना था खैर जनाब हम पहुंच गए हॉस्पिटल हॉस्पिटल में अभी हम वेटिंग में है हमारा जब तक नंबर आएगा तो हम दोनों यहाँ पे बैठे हुए थे तो मैंने कहा चलो यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम चेकअप वगैरह करवा के घर आ गए और खाना वाना खा के बस थोड़ी देर हीटर के आगे बैठे उसके बाद मैं बहुत थक गई थी तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा आराम कर लिया जाए तो फिर जनाब जी क्या था कि सर्दी तो ऐसी थी कि बिल्कुल हड्डियों तक आपको ना ठंडा करने वाली थी तो खैर बड़ा घर में कूजी सा माहौल था हीटर वग़ैरह लग रहा था और मैंने कुछ कैंडल्स भी जला दी ताकि माहौल और अच्छा हो जाए इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए हाफिज़